पहले जी समोसा रखेंगे एक एक करके, थोड़ा थोड़ा जाएगा, उसके बाद सब समोसा। आप बारी है जी चटनी की, और यकीन माने अभी जी थोड़ी थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जो दोस्त अहबाब खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, आज की वीडियो उन लोगों के नाम। अभी मैं जाने लगा हूँ द्रेमी अड्डे पर, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त किस्म के समोसे मिलते हैं, तो आपको दिखाते हैं जी। मैं पहुँच चुका हूँ अमीन स्वीट्स एंड बेकर्स पर, जहाँ पर वो मिलते हैं समोसे। अभी फिर ऑर्डर करते हैं जी। ये नहीं है कि यहाँ पर समोसे मिलते हैं, टिकियाँ भी मिलती हैं, पकौड़े भी मिलते हैं। ये टिकी का साइज है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में, और यहाँ पड़े हैं जी पकौड़े। यहाँ पर सामने जी तलाई हो रही है, और यहाँ पड़े हैं जी समोसे। यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम है, और ये इनकी बेकरी है। पहले जी समोसा रखेंगे एक एक करके। चमचे तो फिर ज़रूरी है, दहरी बात है जिसके साथ खाना है। थोड़ा थोड़ा जाएगा सलाद। अभी जी इन पर जाएंगे चने। उसके बाद सब समोसों पर थोड़े थोड़े केले भी डाले जाएंगे, ताकि कुछ ना कुछ मीठे का टेस्ट भी आ जाए। बारी है जी चटनी की, और यकीन माने पतली चटनी वाला चक्कर कोई नहीं है। अभी जी थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर मीठी चटनी भी डालेंगे। समोसा ऑर्डर किया था तो वो तैयार होके आ चुका है, जैसे बताया था कि ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अभी आपको इसकी फाइनल जो है शक्ल वो दिखा देते हैं। ये देखें जी, जब भी द्रे में चक्कर लगाएं, ये समोसा खाएं, यकीन माने मज़ा आ जाएगा। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मज़ा आ गया। जो भी समोसा ये खाएगा वो एक ही बात कहेगा, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। की बात दोस्तों, इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, 40 रुपए का है सिर्फ, कोई भी बंदा खा सकता है। अभी जी समोसा खाने के बाद जाने लगा हूँ घर, तो चलते हैं। घर पहुँच चुका हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।